हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप के बदलाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंटरमीडिएट पास हुई छात्र 5,40,000 बेटियों को मिलेंगे 25,50,000। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना राज में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई अविवाहित बेटियों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 5,40,000 बेटियों उत्तीर्ण हुई है। शिक्षा विभाग के अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के प्रतिफल प्रकाशन के दौरान बताया है कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई अविवाहित बेटियों को 25-25 हज़ार रुपये देने के लिए 3 अप्रैल को पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल पर छात्राओं को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी खास तौर पर देनी होगी। अगले बार से परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ही छात्राओं से बैंक अकाउंट की जानकारी भी ली जाएगी, इसलिए रिजल्ट आते ही उनके अकाउंट में राशि भेज दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्कॉलरशिप में बहुत बड़े बदलाव हुआ है, क्योंकि अगला बार परीक्षा के फॉर्म भरते समय ही अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, जिसमें रिजल्ट निकलने के बाद ही स्कॉलरशिप भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन के झमेला ही हटा दिया सरकार ने। और दो देख सकते हैं दोस्तों, इस बार के छात्रों के लिए वही सेम प्रोसेस है जो हर बार चलता आ रहा है। 3 अप्रैल से सरकार द्वारा स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें छात्राओं अपने बैंक अकाउंट की जानकारी खास तौर पर दे सकती हैं, जिससे उनका स्कॉलरशिप के पैसा आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब को। धन्यवाद।